आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। किशोरी हत्याकांड के दो आरोपित गिरफ्तार, तीन की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। खबर जनपद भदोही से है, जहां गोपीगंज के डेरवा बासुपुर गांव में 20 जुलाई को नाबालिग किशोरी की हत्या के दो वांछित गजराज व रमेश को पुलिस ने शनिवार को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मास्टरमाइंड सहित तीन लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी का शव घर के सामने नीम के पेड़ में दुपट्टे से लटका मिला था। मृतका के चाचा ने पड़ोसी युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। 26 जुलाई को घटना के तीन आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। 27 जुलाई को पुलिस लाइन सभागार में एडिशनल एसपी ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी थी। एडिशनल एसपी ने प्रेस वार्ता में जो जानकारी दी थी, वीडियो के अंत में हम उसे भी सुनाएंगे। एडिशनल एसपी ने बताया था कि घटना वाले दिन मृतक लड़की ने कुछ अन्य लड़कियों के साथ मिलकर घर में केक काटा था। पास का ही एक नाबालिग लड़का उस दौरान उसके साथ मौजूद था, उसने उसे केक भी खिलाया था। शाम को परिवार वाले जब उस लड़के को खोजते हुए उस लड़की के घर पहुंचे तो देखा कि लड़का बेहोश पड़ा था। गांव वालों का आरोप था कि लड़की ने केक में मिलाकर उसे कुछ खिला दिया था। इस दौरान परिवार वाले लड़के को अपने घर ले गए। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं थी कि लड़के और लड़की का प्रेम संबंध है। लड़के के परिवार वालों को डर था कि कहीं लड़की के परिवार वाले उन्हें मुकदमे में फंसा न दें, इससे डरकर उन्होंने जुर्म कारित किया। दो आरोपितों पर एसपी ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। दिनांक 20 जुलाई को रात्रि में बेरवा बासुपुर गांव में संजय बिंद की नाबालिग पुत्री की शव घर के परिसर में एक नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला था। इस सूचना पर मौके पुलिस पहुंची थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की जांच पड़ताल से पता चला कि संजय बिंद अपनी पत्नी और अन्य बच्चों के साथ जो है बाहर नौकरी के सिलसिले में रहते हैं। घर पे उनकी बड़ी पुत्री अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादा दादी जल चढ़ाने के लिए बैद्यनाथ धाम निकल गए थे। उस रात लड़की अकेली थी। दिन में मोहल्ले के कुछ लड़कियों के साथ वो बैठ करके केक वेक काटी थी। इस दौरान मोहल्ले का ही एक लड़का, नाबालिग लड़का वो आया था और उसको केक और लड्डू खिलाया। बाद में उसके परिजन उसको ढूंढने लगे, लड़के को उसके माँ बाप ढूंढने लगे, तो वो लड़का काफ़ी देर बाद शाम को उसी घर में मिला था और कुछ बेहोशी की हालत में मिला था। तो गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे उनका आरोप ये था कि इस लड़की ने उसे कुछ केक या लड्डू में कुछ जहर नशीला पदार्थ खिला दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हुई। फिर जब वो अपने घर ले गए तो मोहल्ले पड़ोस के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी कि इस लड़की के साथ प्रेम संबंध है था या लड़की के चक्कर में इसको कुछ नशा खिला दिया। इस चीज़ से नाराज़ परिजनों ने कि कहीं उनके खिलाफ़ ना मुकदमा पंजीकृत हो जाए या उसके लड़के को कहीं इस तरह से हत्या ना हो जाए। जो लड़के का पिता है गजराज, अपने साले रमेश और उनके गाँव के ही उनके दोस्त हैं धर्मराज, ये रात में लोग घर पे खाना खाए हैं, शराब पिए हैं और देर रात ये सब लोग गए। लड़की अपने घर के बरामदे में अकेले सो रही थी, तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दिया और अपने घर वापस आ गए। फिर इनको थोड़ी देर बाद लगा कि कहीं हम फंस न जाएं, वापस गए हैं। वापस जाने के बाद खुरपी से उसके हाथ की नस काट दी। हाथ पर चुकी डेड मृत्यु हो चुकी थी तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने उसकी दुपट्टे से जो घर के आंगन में नीम का पेड़ था उसमें बांध करके उसके शव को उसमें लटका दिया ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके। प्रारंभिक जांच के बाद ये सारी चीज़ें तथ्य निकल के आए। अभी तक हमने इसमें जो है जो आरोपी था धर्मराज और जो लड़का था इनका गजराज का लड़का जिसकी वजह से सारा घटनाक्रम हुआ था वो, और रमेश के साले का लड़का जो घटना में प्रारंभिक तीन लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अभी दो महत्वपूर्ण गजराज और रमेश की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसकी निशादेही पर घटनाक्रम में जो और चीज़ें लिप्त हुई उसको हम बरामद करेंगे और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे।
केक वगैरह कब काटा गया था, बर्थडे? हाँ, ये केक काटने की जो बात है ये प्राथमिक रूप में जो लड़की के मृतक के परिजन हैं उनको संज्ञान में नहीं था, क्योंकि वो उनका घर जो है माँ बाप थे नहीं, उनके चाची चाचा का जो मकान है 2-3 मकान के बाद है, उन्हें ये सब चीज़ें संज्ञान में नहीं आई थी। बाद में जब हमने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ मोहल्ले की 3 लड़कियाँ और थी जिनके साथ केक काटा गया था, और ये बताया कि उनमें से एक लड़की थी जिसका बर्थडे था, मगर उन लड़कियों से बातचीत करने में पता चला कि नहीं, बर्थडे किसी का नहीं था, केक ऐसे काटा गया था, उसका क्या प्रयोजन था कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।